क्राइम ब्रांच और चिलवाताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम को गैंग के सरगना सहित चार अंतरजनपदीय लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने इनके पास से चिलवाताल थाना क्षेत्र में लूटी गई पिकअप गाड़ी सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान राधेश्याम सिर्फ उर्फ मामा पुत्र गणेश सिंह निवासी कंठी छापर थाना जठा बाजार जनपद कुशीनगर, शिवम जायसवाल उर्फ रेहान पुत्र शंकर जायसवाल निवासी खाजो थाना धनघटा जनपद संत कबीर नगर, राम रक्षा यादव उर्फ तेजू पुत्र जय हिंद यादव निवासी नखा नंबर 2 गिदहवा थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर और अमर कुमार रत्नाकर पुत्र रत्नाकर भागवत निवासी इंदिरा नगर वागड़े स्टेट थाना वागड़े स्टेट जनपद ठाणे मुंबई जो वर्तमान में नखा नंबर 2 टोला गिदहवा थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। वहीं पुलिस लाइन सभागार कक्ष में मामले का खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पकड़े गए अपराधी शातिर किस्म के लुटेरे हैं, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह और एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा गोरखपुर का कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे रहता है। यहाँ नगा नंबर 2 गिदहवा टोला में किराए पे मकान, ये किराए पे ये आपराधिक गतिविधियों में लिखो ये आप लोग अवगत हैं कि चिलवाताल थाना के अंतर्गत 10:50 जून की रात्रि में एक पिकअप लूट ली गई थी। उसके लिए जो है हम लोग निरंतर लगे हुए थे और हमारी क्राइम ब्रांच को इसमें जो है इसके अनावरण में जो है सफलता प्राप्त हुई और चिलवाताल पुलिस की मदद से 4 अपराधी जो गिरफ्तार किए गए और साथ ही जो है पिकअप और एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुए थे वो बरामद कर ली गई। नहीं, इनमें जो 3 अभियुक्त हैं राधेश्याम सिंह, राम रक्षा और अमर कुमार रत्नाकर, इन तीनों की पहले भी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है एक दो मुकदमों की। सीएम जायसवाल का जो है पहला मुकदमा ये जो है ज्ञात हुआ पहला अपराध। नहीं, ये जो है चिलवाताल थाना अंतर्गत जो है ये प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की गई है। तो सीओ क्राइम साहब प्रकाश डालेंगे। ये कप्तान साहब के निर्देशन में जो अपराधियों और अपराध का अनावरण किया जा रहा है, धरपकड़ की जा रही, उसी को देखते हुए 10 और 11 की रात्रि में थाना चिलवाताल अंतर्गत एक पिकअप की लूट की वारदात हुई थी। सनसनीखेज वारदात थी जिस पर स्थानीय थाना चिलवाताल और जनपदीय क्राइम ब्रांच एक साथ काम कर रही थी। सर्विलांस सेल की मदद से ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ जिसमें मुखबिर की सूचना पे 4 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई जिन्होंने सुनियोजित ढंग से इस पिकअप को लूटा था। गौरतलब है कि ये चारों अपराधियों का मतलब पूर्व से आपराधिक इतिहास है। NDPS, आबकारी, शराब तस्करी, इस तरह के धंधों में ये मतलब पूर्व से लिप्त रहे। एक अपराधी इसमें अमर कुमार रत्नाकर जो कि मुंबई ठाणे का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में ये नगा नंबर 2 में गिदहवा टोला है, ये मतलब वहाँ का रहने वाला था। राम रक्षा यादव पूर्व में हत्या का अभियुक्त रहा है। इसके साथ ही साथ शिवम जायसवाल धनघटा का अपराधी है, मतलब अभी इसकी जांच की जा रही है कि वहाँ के मुकदमों में इसकी क्या स्थिति है, वंचित है कि नहीं। प्रमुख जो सरगना इसका था वो था राधेश्याम सिंह। राधेश्याम सिंह के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ज़िले का एक कुख्यात अपराधी हुआ करता था चंदन सिंह। चंदन सिंह का फाइली जो पिंकू राणा है, जो पिंकू राणा अभी हम लोग के टॉप 100 अपराधी जो कप्तान साहब के निर्देशन में छांटे गए हैं उसमें उसका नाम ऊपर है, उसी का सगा मामा है। ये कुशीनगर जिले में जठा थाने क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी शराब और अन्य तस्करी के आरोप में जेल जा चुका है। ये एक रिटायर्ड फौजी भी है। तो इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण हुआ जिसमें मतलब पिकअप भी प्राप्त हुई। उस पिकअप को इन लोग मतलब गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हुए अभी उसकी जांच और गहराई से की जा रही है, तस्करी में ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इस प्रकार से ये गिरफ्तारी हुई है और पिकअप की बरामदगी हुई है और स्थानीय थाना और क्राइम ब्रांच का मतलब SP क्राइम सर और SP पुत्री साहब के निर्देशन में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ। अब इसके बारे में जांच की जा रही है, अन्य जनपदों से भी बात की जाएगी, अन्य जो भी ठीक है टेक्निकल नसीस है उसको भी हम लोग शेयर करेंगे।
चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ये जिसमें से मतलब मूल रूप से घटना में तीन लोग शामिल थे और कुख्यात राधे श्याम सिंह इनका सरगना था। इन लोग का ये मांगना था कि हम ऐसे गाड़ियों को लूटें कि अगर वो कहीं जानवरों की तस्करी या तो शराब तस्करी में पकड़ी भी जाए तो बहुत आर्थिक नुकसान इनका ना हो और उससे जो भी मालिक प्रकाश में आएगा तो उससे भी इनकी बचत हो जाएगी कि ये गाड़ी तो पूर्व में ही चोरी या लूट की थी।